हेलो एवरीवन दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू स्वाति किचन एंड लाइफ स्टाइल आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा मैं आज, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम जो कि घर की चीज़ों से ही बनती है इसके लिए ना ही आपको किसी क्रीम की ज़रूरत है ना आपको किसी कंडेंस मिल्क की और बहुत ज़्यादा दूध की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा चॉकलेट्स की जरूरत नहीं है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें लगने वाले हैं बनाना तो आपको कितने क्वांटिटी की आइसक्रीम बनानी है उसके हिसाब से आप बनाना यहाँ पे ले लीजिए यहाँ पे मैं एक्चुअली छः बनाना ले रही हूँ बट इससे आप दो टाइप की आइसक्रीम बना सकते हैं तो इसमें से मैं आधी ही यूज़ करने वाली हूँ और आधी मैं बाद में कभी यूज़ करूँगी तो पहले मैं सभी बनाना को इस तरह से कट करके ले रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में हम इसे कट करके लेंगे और ये सारी बनाना को मैंने प्लेट में डाल के इस तरह से रखा है अब इन सारी बनाना को हमें सॉलिड बनाना है तो सॉलिड के लिए हमें इसको रखना है फ्रीजर में और इसे अभी हमें तीन से चार घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है ताकि ये अच्छी खासी सॉलिड बन जाए और इसकी आइसक्रीम हम जल्दी बना पाए ज्यादा छोटे बर्तन में ना रखें थोड़ा सा बला, बड़ा वाला थाली ले या फिर आप दो पार्ट में डिवाइड करके भी रख सकते हैं तब तक मैं थोड़ा चॉकलेट का फ्लेवर यहाँ पे बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने बिस्किट्स यूज किए हैं आप किसी भी बिस्किट का यूज कर सकते हैं चाहे आपके पास हैप्पी बिस्किट हो या फिर आपको ओरियो यूज करना है ओरियो यूज कर सकते हैं कोई भी चॉकलेट वर्जन का बिस्किट यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने सिंपली पार्ले जी लिया है अगर आपके पास नहीं है सिंपली पार्ले जी भी यूज कर सकते हैं मिक्सर में डाला है और ऊपर से मैंने शुगर डाली है एक्चुअली बनाना भी स्वीट होता है और बिस्किट भी स्वीट ही होते हैं तो मैंने शुगर थोड़ी ऐड की है अगर आप स्कीप करना चाहें तो स्कीप भी कर सकते हैं बट अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जरूर डेफिनेटली शुगर ऐड कीजिए उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे तो इस तरह से ये दरदरा पाउडर फॉर्म में बन जाएगा उसके बाद हम ऊपर से बाकी की चीजें ऐड करेंगे तो चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैंने इसमें ऐड किया है कोको पाउडर दो चम्मच किया है एक्चुअली एक चम्मच डाला है ऊपर से एक चम्मच डाल रही हूँ उसके बाद हम डालेंगे मिल्क पाउडर सेम क्वांटिटी में दो चम्मच एक कटोरी मिल्क डाला है मैंने उसके बाद हम डालेंगे ऊपर से एक कटोरी मलाई जो हमारी दूध के ऊपर मलाई आती है ना वो मलाई हम इसके अंदर डालेंगे उसके बाद हम इसे पीस लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से चॉकलेट जो रहता है ना मेल्ट हुआ चॉकलेट रहता है उस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाता है तो अब मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में निकाल रही हूँ यहाँ पे मैंने इसको पूरा ट्रांसफर कर दिया है और इसे भी मैं 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखूंगी तो इसे मैंने सुबह रख दिया था तो शाम के टाइम पे फिर से मैंने इसे निकाला है और इसे मैं फिर से एक बार मिक्सी में चलाऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो इसे अब हम थोड़ा साइड में रखते हैं और जो बनाना हमने फ्रीज़र में रखे हैं उसमें से आधे बनाना मैंने यहाँ पे इसी मिक्सर की जार में डाले हैं उसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है मिल्क चॉकलेट का मिक्सर निकाला था वो मिक्सर भी हम इसके अंदर डालेंगे तो ये दोनों को अच्छे से फिर से हम चलाएंगे तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्सर में चलाएंगे और उसके बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है इसे अब हमें एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं मैंने दो सेट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना आए इसीलिए मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है चार से पाँच घंटे के लिए फ्रीजर में रखूँगी और उसके बाद हमारा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनता है और घर की चीज़ों से ही बनकर रेडी हो जाता है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये पसंद आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय